नमस्ते दोस्तों, हम आज स्पेशल मटन करी बनाने जा रहे हैं। इस मटन करी बनाने के लिए हमें 4 कटा हुआ प्याज, कुकिंग ऑयल, 250 ग्राम मटर, धनिया पत्ता, 4 चम्मच दही, 3 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच सौंफ, आधा इंच दालचीनी और 4 लवंग और 2 इलायची। ग्राइंड करने के लिए मिक्सर, मसाला पदार्थ, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी। पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते हैं। फ्राई किया हुआ प्याज को मिक्सर में डालते हैं। उसी के साथ सौंफ, दालचीनी, लवंग और इलायची उसमें डाल देते हैं। धनिया पत्ता भी डाल देते हैं। कटा हुआ टमाटर को भी उसमें डालेंगे। इसको हम ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर रख देंगे। पहले हम कुकर को गर्म कर लेते हैं। 4 चम्मच ऑयल डालकर गर्म होने के बाद उसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डालते हैं। मसाला फ्राई होने के बाद 1 चम्मच हल्दी, जीरा पाउडर 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, नमक 3 चम्मच स्वाद के अनुसार, उसको अच्छे से मिलाते हैं। 3-4 मिनट तक फ्रेनी करने के बाद मटन मसाला डालें। अब 250 ग्राम मटन को डालती हूँ और अब 4 चम्मच दही डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिलाते रहना है। 1 ग्लास पानी मिला देते हैं। अब मिक्स करके कुकर क्लोज कर देते हैं। 10-12 सीटी आने तक वेट करते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद कुकर को खुलेंगे। अब हमारा मटन करी रेडी हुआ है। इसको राइस के साथ, चपाती के साथ और डोसा के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सारे वीडियो को देखें और बेल आइकन को दबाएं और आगे कुछ अलग रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।